बलवान पूनिया। सभापति महोदय, मांग संख्या 30 और 33 पर बोलने का आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस अवसर पर हमारे पूर्व दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल जी को याद करूंगा, जो पिछली बार सारे दिन सदन में बैठे थे और इस मुद्दे पर जब लोग बोल रहे थे तो उनको बड़ी ध्यान से सुन रहे थे और बड़ा जोरदार जवाब उन्होंने दिया। सभापति महोदय, देश गुलाम था, पहले राजाओं का, फिर अंग्रेजों का। देश में आज़ादी आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बना। संविधान में स्पष्ट लिखा गया कि हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के संविधान को स्वीकार करते हैं। सभापति महोदय, बात जब स्पेशली इस बात पर आई कि अनुसूचित जनजाति के विकास और सामाजिक कल्याण की आई, तो स्वाभाविक बात है कि 70 साल में बहुत कुछ हुआ भी है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जब आज़ादी नहीं थी, समाज जाहिल था, बेकारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सारी चीज़ें थी। स्कूल बने, कॉलेज बने, नौकरियां बनी, उद्योग लगे, कारखाने लगे और लोग अंबेडकर छात्रावास में पढ़ करके, दूसरे छात्रावास में पढ़ करके, सरकारी स्कूलों में पढ़ करके लोग IAS IPS भी बने। इसमें कोई दोरा नहीं, लेकिन जिस तेजी के साथ समाज को आगे बढ़ना चाहिए था, उस स्थिति से समाज नहीं बढ़ा। मैंने पिछले सत्र में 2019 में इस बात की चर्चा की थी कि अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण की मात्रा, शिशुओं और माताओं की स्वस्थता संबंधी कुछ वैज्ञानिक शोध सामग्री सदन के पटल पर रखी थी। मैं आज फिर आपका ध्यान स्पेशल एक शहरिया जाति की तरफ करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज भी शहरिया जाति में एनीमिया में आधे से ज्यादा महिलाएं पीड़ित हैं और 3/4 बच्चे अनीमिया से पीड़ित हैं। प्रजनन काल में संक्रमण लगभग 42% है। मलेरिया, टीबी, पोलियो, डायरिया आदि को छोड़कर के प्रभावी उपचार कहीं उपलब्ध नहीं है। गंभीर बीमारियों से लोग आज भी पीड़ित हैं। आज भी TSP नॉन TSP के नाम पर झगड़े चल रहे हैं और नॉन TSP क्षेत्र के शिक्षक जो TSP क्षेत्र में लगे हुए, वो बाहर जाना चाहते हैं और उनके एवज में TSP के लोगों को वहां नौकरी मिले, इस बात की मांग उठती है। आज भी डूंगरी कांकरी का जो मामला हुआ, उस मामले में जिस तरीके से विद्रोह एक देखा गया और उसका जिस तरीके से दमन हुआ, झूठे मुकदमे में लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मुकदमे वापस लिए जाएं। आज भी मैं एक बात आपके बीच 2011 का एक सर्वे रखना चाहता हूं, जिसे साबित हो रहा कि सामान्य समाजों से आज भी TSP और नॉन TSP में किस तरीके से साक्षरता दरें अभी भी कम है। वहां मेल में 68.55% और फीमेल में 48.35% और शहरिया जाति में 36.27% मेल और फीमेल में अभी भी 7.85% शिक्षा है। इसका मतलब जनजाति क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और जनजाति में शहरिया जाति पिछड़ी हुई है। इस तरीके से अगर हम अलग अलग वैल्यूएशन करें, अलग अलग पैमाने पर देखें, तो आज भी जनजाति क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी और यातायात की जो कमी आज भी क्षेत्र में है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि जहां भी TSP क्षेत्र के लोग रहते हैं, उन वार्डों में, उन मोहल्लों में स्पेशल नशे पर ध्यान दिया जाए और समाज को बराबर लाने के लिए मांग बार बार जो उठ रही है, उसको गंभीरता से संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत लागू किया जाए। सभापति महोदय, मैं बराबरी की बात पर आऊं तो रेसला नाम के संगठन के लोग जो अभी विधानसभा के बाहर पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी मांग है कि व्याख्याताओं की संख्या 52,699 जो प्रिंसिपल बनने के लायक हैं, उनको सिर्फ 14% आरक्षण है, 14% सीटें मिली हुई। प्राध्यापक की जो कि 3650 है, उनको 120% मौके मिले हुए। यानी वो इस बात की मांग पिछले 5 दिन से राजस्थान सरकार से कर रहे हैं। मेरे एक पत्र के जवाब में सरकार ने 20/7/2000
20 को उत्तर दिया था कि 80-20 के रेशो से हम इसका समाधान करेंगे, लेकिन पत्रावली आज भी लंबित है और पूरे प्रदेश के 55,000 जो लेक्चरर हैं, व्याख्याता हैं, स्कूल व्याख्याता, वो हड़ताल पर हैं। मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं इस मसले पर कि बराबरी की बात की जब हम बात करें तो आज भी हम उसको गंभीरता से लागू नहीं कर पा रहे। संविधान की व्याख्या की जब बात आ जाती है तो मैं एक बात आपके बीच में निवेदन करना चाहूंगा, एससी की महिला हमारे यहां शादी करके आ गई, ओबीसी की महिला हमारे यहां शादी करके आ गई, सभापति महोदय आज भी उनको यहां आरक्षण नहीं है। हमें राजस्थान सरकार से ये कई दफा मांग उठा चुके हैं, कई माननीय सदस्य मांग उठा चुके हैं, जनता हमसे मांग करती है कि ये जो आरक्षित वर्ग में पैदा हुआ बच्चा आरक्षित वर्ग में ब्याया गया, दूसरे स्टेट में चला गया, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिल रहा। मैं सरकार से इल्तजा करता हूं कि एसएलपी लेकर के जाए सुप्रीम कोर्ट और ये प्रावधान कराए कि जो आरक्षण में पैदा हुआ आरक्षण के परिवार में चला गया उसको आरक्षण क्यों नहीं। बात जब ये आ जाती है कि संविधान को लागू करने की, तो आज भी गाड़ियां लुहार घुमक्कड़ परिवार दर दर की ठोकर खाते फिर रहे। हमें जरूरत है इस बात की कि गंभीरता से जो फैसले सरकारों ने लिए हुए हैं उनको बचाने का काम करें, और ये जो हमारे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव आज भी बढ़ रहा है इसको मजबूती के साथ पाटने का काम करें। सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा को मजबूती से और बीपीएल परिवारों को सर्वे कर गरीबों व भूमिहीनों को इस योजना में शामिल करने का लाभ दिलाएं। सभापति महोदय, मैं छोटा सा ध्यान लास्ट एक बात के साथ आपका इंगित करना चाहूंगा, बीपीएल परिवारों की सर्वे अभी नहीं हो रही है, लोगों को जोड़ा नहीं जा रहा है, खाद्य सुरक्षा में लोगों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत भारी दिक्कतें हो रही हैं। मैं आपका ध्यान, सरकार का ध्यान इस तरफ इंगित करना चाहूंगा। अंबेडकर छात्रावासों की दशा सुधारी जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और आरक्षण को गंभीरता से लागू किया जाए, उसकी व्याख्या सही ढंग से की जाए। आपने मुझे समय दिया, आपको